नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे के तेवर की वजह से शुरू से ही बीजेपी के साथ उनकी एक जंग देखने को मिली, क्योंकि वसुंधरा अपने मन की करने वालों में से है और बीजेपी में तो सब आलाकमान के कहने पर होता है। ऐसे में वसुंधरा और आलाकमान के बीच टकराव भी देखने को कई बार मिले, लेकिन अब लगता है माहौल बदल गया है, क्योंकि कहा जा रहा है वसुंधरा के सामने आखिरकार मोदी झुक गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि यहाँ बीजेपी को सबसे ज्यादा डर है। हरियाणा की जनता बीजेपी से नाराज चल रही है, ऐसे में ये राज्य बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और यहाँ जीतना मुश्किल है, और अब इसकी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी गई है। जी हाँ, अब फिर से मोदी को वसुंधरा की जरूरत पड़ी है। हमेशा से वसुंधरा को इग्नोर करने वाले मोदी अब हरियाणा जीतने के लिए वसुंधरा का साथ चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी शामिल है। वसुंधरा के नाम की चर्चा जोरों से इसलिए हो रही है क्योंकि वसुंधरा ने राजस्थान में बीजेपी के लिए प्रचार कहीं भी नहीं किया था। ऐसे में सवाल है कि क्या वसुंधरा हरियाणा में प्रचार करेंगी या नहीं। खैर, ये तो बात की बात है। अब जिस तरह से वसुंधरा को स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि आखिरकार वसुंधरा के सामने मोदी को झुकना ही पड़ा है, क्योंकि इतने दिनों से वसुंधरा को साइड करने के बाद आखिरकार मोदी को वसुंधरा की जरूरत पड़ गई है। यानी वसुंधरा को स्टार प्रचारक बनाने का मतलब है मोदी उनके सामने झुक गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, वसुंधरा के साथ बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए हैं, जिनमें सीएम भजनलाल शर्मा, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, सतीश पुनिया, पीयूष गोयल के अलावा और भी कई नेता शामिल हैं। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब बात वसुंधरा की करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत के बाद नए चेहरे भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा क्योंकि वसुंधरा की नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि वसुंधरा सीएम बनना चाहती थी लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। इसके बाद वसुंधरा की नाराजगी कुछ इस कदर देखने के लिए मिली कि वो बीजेपी के कई कार्यक्रम में भी नहीं आती थी, और तो और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी वसुंधरा ने सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत सिंह की सीट पर ही प्रचार किया था। और अभी फिलहाल वसुंधरा अपने एक बयान की वजह से भी चर्चा में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। लोगों को लगा कि ये वसुंधरा का बयान आलाकमान के लिए था। फिलहाल अंत में आपको वसुंधरा के इसी बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जिस तरह से मोदी ने आखिर वसुंधरा की मदद ले ही ली है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाए, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक है, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है, और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं, तो माथुसार से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहां बैठे हुए हैं, सब लोग आपसे मिलते हैं, सब लोग आप, और वो सही कह रहे थे कौन कि खर्चा छोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा, कौन घनश्याम जी ने कहा भाई साहब, बात सही है बहुत सुंदर जगह, ओम जी का घर खुला होगा ही, होगा ही, तो जो उस खुले घर के अंदर राजस्थान के लोग जाते ही रहेंगे, मुझे विश्वास है आप हमको जैसे यहां संभालते थे वहां संभालोगे।
इसी विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और आपके सब साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सफल बनाया और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया, इसके लिए आप सब